बस वही अरे भाई साहब, पानी है ठीक है बट पानी में भी ट्रैफिक जाम, बताओ गाइस। ये है गुवाहाटी गाइस, दिस इज गुवाहाटी। 100 प्लस गाइस इन फोर्थ ईयर। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है अपुन के पास हिमालयन। तो मेरा दोस्त का है, मैंने कुछ दिन के लिए ले रखा है। और यहाँ पे आप लोग एक देख सकते हैं, गाड़ी का हालत देखिए। ये हम लोग का यहाँ पे पार्क किया हुआ है, शायद एक्सीडेंट वगैरह हो गया। तो बहुत दिनों के बाद गाइस मोटो व्लॉगिंग सेटअप में, वो भी दूसरों के बाइक में। हमारा बाइक जो है वो घर पे रखा हुआ है और अभी गुवाहाटी पे सिर्फ स्कूटी ही है। तो गाइस अभी हिमालयन पे मोटो व्लॉगिंग का सेटअप अभी कैसा लग रहा है, ये एंगल कैसा आ रहा है, आई डोंट नो, होपफुली सही आ रहा होगा। तो बहुत दिनों के बाद आज निकला है, थोड़ा वेदर भी अच्छा है, तो इसीलिए थोड़ा ऐसे शॉर्ट स्पिन पे निकले हैं। देखते हैं गुवाहाटी थोड़ा घूम घूम के, शाम का टाइम हो रहा है अभी। और आई होप गाइस आप लोग थोड़ा बहुत बोर हो चुके होंगे दार्जिलिंग का व्लॉग देख देख के। और दो तीन व्लॉग्स है पड़ा हुआ, वो भी हमको देना है। तो एडिटिंग हो चुका है, बस अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो वो भी अपलोड हो जाएगा बहुत जल्द। तो उससे पहले शायद मैं ये वीडियो डाल दूँ कि आप लोग बोर ना हो। अरे भाई, पहले यू टर्न ले लेते हैं। गुवाहाटी का हालत तो गाइस आपको पता ही है कि मतलब हर जगह पे पानी पानी, बस पानी पानी। तो मैं जो कॉलेज गया था दो दिन, मतलब नदी पार करके हम लोग रूम तक पहुँचे कॉलेज से, इतना पानी था। एक छोटा सा वीडियो मैं अटैच कर दे रहा हूँ, जब मैं कॉलेज गया था, कॉलेज के सामने भी इतना जाम था। और हम लोग कॉलेज के सामने एक रास्ता है जहाँ पे मतलब थोड़ा सा भी बारिश आ जाए वो टूट जाएगा। तो इसी वजह से मतलब व्लॉग करना था मुझे, बट मैं गोप्रो हर रोज़ मतलब कॉलेज जाते जाते लेट हो जाता हूँ और गोप्रो बैग में घुसा नहीं भूल जाता हूँ, तो इसीलिए व्लॉग नहीं कर पाया। तो लेकिन आज थोड़ा काम से निकला और वेदर भी बहुत सही है, तो इसी वजह से थोड़ा सा आज एंटरटेन कर लेते हैं, हम भी हो जाते हैं, आप भी हो जाओ। तो उसी वजह से आज भी थोड़ा बहुत व्लॉग करते हैं। और इस टाइम पे अभी थोड़ा सा जाम ट्रैफिक जो है वो थोड़ा सा कम है, बट आई गेस 5:30-6 बजे तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। तो फ्री थोड़ा सा व्लॉग कर लेते हैं। मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स हाथीगांव, एक काम है छोटा सा, तो उसको जल्दी से निपटते हैं एंड देन देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है। आज शाम को थोड़ा सा दोस्त लोगों के साथ हैंग आउट करने का भी प्लान है, तो बस वही। अरे भाई साहब, मतलब ये ऑटो वगैरह को क्या ही बताओ। गाइस बहुत दिनों के बाद मोटो व्लॉगिंग सेटअप में, अभी मुझे चेक करना पड़ेगा कि माइक भी कैसा चल रहा होगा, क्योंकि माइक ये सब बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया। और जो लोग गोप्रो यूजर्स हैं उन लोगों को पता है कि मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने से भी ये माइक, गोप्रो का माइक वगैरह मतलब अच्छे से काम नहीं करता है। तो आई होप साउंड बढ़िया से आ रहा होगा। और अभी हम लोग आके पहुँच चुके हैं हाथीगांव, और एज यूजुअल यहाँ पे तो जाम रहता ही है, ट्रैफिक थोड़ा बहुत रहता ही है, बट उतना भी नहीं है, वी कैन मैनेज। और गाइस आप लोग बताओ कि आप लोग तो अभी देख नहीं पा रहे हो कि हिमालयन में मेरे को कैसा लग रहा है, मतलब ये एंगल में जो फ्रेम में अभी व्लॉग चल रहा है, ये फ्रेम आपको कैसा लग रहा है, ये आप कमेंट में बताओ। और जो अरे भाई साहब रुक जाओ, कहाँ जाना है, इतना जल्दी है क्या? हाँ जाओ, हाँ जाओ, जाओ। तो ये जो बाइक है, ये बाइक मेरा बहुत ही ख़ास दोस्त का है, दोस्त नहीं बोल सकते, भाई है, अपना भाई का बाइक है। तो उसका बाइक मेरा बाइक सेम ही है, क्योंकि हम लोग कॉलेज में जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है स्कूटी से, पानी वगैरह अटक जाता है जब भी बारिश होता है। तो इसीलिए कुछ दिन के लिए मैंने उसका बाइक लेके रखा है और उसको मैंने अपना स्कूटी दे दिया, क्योंकि मेरा बाइक आपको पता ही है घर पे रखा हुआ है। तो मतलब मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है घर जाने का, मेरे को जल्दी घर जाना है, बाइक भी लाना है, 15 अगस्त का राइड भी मतलब करना है। भाई साहब गुवाहाटी गाइस, दिस इज़ गुवाहाटी, ये पानी के अंदर है गुवाहाटी। अभी तक जो है पानी मतलब वो नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ हाथीगांव में। हम लोग का रुकमुनी गांव पे भी पानी होता है, बट वो निकल जाता है एक दिन के अंदर में निकल जाता है, बट हाथीगांव का पानी जो है अभी तक नहीं निकला। तो लेट्स सी, मेरा लोकेशन, हाँ मेरा लोकेशन यहीं पे था, तो जल्दी से लेट्स चेक द लोकेशन एंड देन अपना काम निपटते हैं जल्दी से गाइस।
तो गाइस बस एक यहाँ पे छोटा सा काम था, और वो काम है हमारे एक मित्र को एक होम स्टे का प्रमोशन करना था। उनको प्रमोशन मिला हुआ था तो उसी के सिलसिले आए थे यहाँ पे हाथीगांव में, और निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया। द टाइम इज़ ऑलमोस्ट 5:30 गाइस। हाथीगांव आए नहीं कि पानी पानी फिर से पानी। बताओ यार, ये पानी में अगर रुक गया तो जूता तो गया काम से। बताओ, देखो ये पानी में अगर रुक गया तो जो इतना साफ सफाई करके जूता पहन के आए थे भाई साहब, गया। अरे भाई साहब, हम थोड़ा साइड से चलने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पैर जो है गंदे ना हो। और क्या बोले गाइस, पानी पानी पानी, गुवाहाटी तो पानी के अंदर डूब गया। अरे भाई साहब, पानी है ठीक है, बट पानी में भी ट्रैफिक जाम। बताओ गाइस, ये है गुवाहाटी गाइस, दिस इज़ गुवाहाटी। और जो परसों जो बारिश हुआ था उसका क्लिप, उसको गोप्रो तब मेरे साथ नहीं था। भाई साहब, इतना पानी में डूब डूब के आया कि क्या बताऊँ आपको गाइस। अभी भी मेरा पैर जाएगा, अभी जाएगा, पानी में जाएगा। पैर उठा लेता हूँ गाइस, नहीं तो ये जूता भी गया काम से। क्या बताओ गाइस, गुवाहाटी में चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया है। गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और मैं आज भी हिमालयन लेके निकल पड़ा हूँ। तो एक्चुअली कल क्या हुआ था, एक इंसिडेंट हो गया, मैं आपको जाते जाते बताता हूँ। कल जो है मैंने जो व्लॉग किया था, तो एक मुझे होमस्टे का मतलब वो करना था, प्रमोशनल वीडियो करना था, मेरे दोस्त को करना था मतलब। तो वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे मेरा गोप्रो भी यूज़ हुआ, तो इसी वजह से जो है मतलब उसका सेटिंग्स वगैरह मैंने चेंज करके रखा था। तब जब हम लोग नॉर्मल शूट करते हैं तो लीनियर में करते हैं, तो एक POV लेना था, तो वो लीनियर में मतलब लेना था, तो मैंने सेटिंग्स वगैरह चेंज कर दिया। उसके बाद जो है मैं फिर से सुपर व्यू में करना भूल गया। वीडियो चल रहा था, वीडियो मैंने व्लॉग किया था, उसके बाद मैं विशाल गया, विशाल से शॉपिंग वगैरह किया, उसके बाद रूम गया, और कल वीडियो भी एंड किया था वहाँ पे। बट क्या हो गया कि बाद में जब मैं एडिट करने बैठा, तब मैं देखा कि वो तो लीनियर में शूट हुआ, तो इसीलिए जो है उसको मैंने सोचा नहीं डालते, अगर डालना ही है तो थोड़ा अच्छा वाला डालेंगे। मैं अभी जा रहा हूँ टुवर्ड्स लोकरा, क्योंकि वहाँ पे मेरा जो सिस्टर है यंगर सिस्टर वो पढ़ती है, तो उसका विजिटिंग है, तो उसी के सिलसिले में जा रहा हूँ। और गाइस, दो दिन से जो मैं हिमालयन चला रहा हूँ, दो दिन नहीं ऑलमोस्ट 3-4 दिन हो गया जो हिमालयन चला रहा हूँ, मतलब हिमालयन पे दिल आ रहा है बहुत, और इसने सर्विसिंग भी अच्छा से करके रखा है, तो बहुत स्मूथ चल रहा है, और इसका माइलेज भी ठीक ठाक है। डोमिनार के कंपेरिजन में तो बहुत सही है इसका माइलेज, तो मतलब चला के मज़ा आ रहा है, इसीलिए आज भी थोड़ा लेके निकल गए हैं। लेकिन गाइस, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरे हिसाब से तो सही लग रहा है, लेकिन एक दिक्कत शायद हो सकता है, क्योंकि मेरे डोमिनार में भी इतना बड़ा जो है स्क्रीन लगा हुआ है, विंड स्क्रीन लगा हुआ है, बट वो ट्रांसपेरेंट है तो सामने दिखता है, बट ये भी ट्रांसपेरेंट आता है बाय स्टॉक, बट इसने वो ब्लैक करके रखा है, तो मेरे को शायद थोड़ा सा ऊपर से ब्लॉक करना पड़ेगा, तब आपको ऊपर तक दिखेगा। तो उसका बाइक है वो, मतलब ब्लॉक नहीं करता, अगर मैं ब्लॉक करता ये बाइक में तो उतार के मैं इसको प्लेन ही रखता। बट कोई नहीं, चलो लेट्स सी कितना व्यू आ रहा है, तो एडजस्ट करते हैं आज। गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग मन ही मन बोल रहे हैं कि भाई हिमालयन का थोड़ा टॉप स्पीड दिखाओ, क्या ऐसा आप लोग बोल रहे हो या मेरा बहम है? तो चलो एक छोटा सा टॉप एंड रन करके देखते हैं। Plus guys in fourth year. Oh no guys, disturbance. इस बार नहीं हो पाया, और एक वो देंगे, और एक टेस्ट देंगे। I don't know guys, विंड ब्लास्ट कितना आ रहा होगा,
80 के बाद तो ये माइक विंड ब्लास्ट दे देता है, तो सामने और थोड़ा सा स्ट्रेच मिलेगा, खुला स्ट्रेच मिलेगा, तब देखते हैं। अभी तो 120 हम लोग टच किया, देखते हैं 120 पार कर सकते हैं कि नहीं, तो देखते हैं। थोड़ा ये फ्लाईओवर को पार करते हैं, उसके बाद और एक मतलब टेस्ट करेंगे कि देखते हैं कितना तक जाता है ये हिमालय।